रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना डंका, कौवा मोती खाएगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में साल के 12 महीने चुनाव होते रहते हैं। एक सूबे का चुनाव खत्म होता है तो दूसरे का शुरू हो जाता है। एक सूबे का रिजल्ट आता है तो दूसरे सूबे में इलेक्शन की तैयारी चल रही होती है। यानी सोते जागते और उठते बैठते हर वक्त हमारे देश में किसी न किसी चुनाव की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो इनके मायने कुछ अलग ही होते हैं। मतलब यह है कि या तो नेताजी सटिया गए हैं या फिर उनकी लंगोट फट चुकी है। 2022 का चुनाव इस बार बहुत से लोगों के लंगोट फाड़ चुका है। नागपुरिया संतरों का कच्चा भी तकरीबन फटने के कगार पर पहुंच चुका है। वहीं सत्ता के जोश में मदहोश नेताओं का नारा भी खुल चुका है। नेताजी बस अपने मुंह से शोर मचा रहे हैं ताकि उनका खिसकता पजामा और पजामा कोई ना देखे। अपनी शाख को बट्टा लगता देखकर नेताओं का पजामा खुलने के कगार पर है। बस वो बार बार आवाम को गुमराह कर रहे हैं ताकि नेताजी की तरफ कोई ना देख सके, क्योंकि जब नेताजी का लंगोट फटने के बाद उनका नाड़ा खुलेगा तब नेताजी जनता की अदालत में नंगे खड़े होंगे, जहां ना तो उनके पजामों का नाड़ा बांधने वाला कोई होगा और ना ही उनकी फटी लंगोट नजर आएगी, बल्कि नेताजी अंड बंड संड बोल रहे होंगे। उनकी इस हरकत को देखने के बाद कुछ लोग उनको पागल कहेंगे, कुछ उन्हें बहुत बड़ा दिव्य पुरुष समझेंगे, कुछ लोग उनके पागलपन को भविष्यवाणी समझेंगे और कुछ लट में सरसों का तेल लगाएंगे ताकि गर्म पानी और हल्दी वाले दूध के साथ नेताजी गर्म तकिए का आनंद ले सकें। अब लगता है कि जगहों पर नेताओं का लंगोट फट चुका है, लठ में सरसों का तेल लग चुका है और इसके साथ ही नेताओं का नाड़ा भी खुल चुका है। बस उनका पजामा खुलने की देर है, उसके बाद तो फिर धूमधाम से लट का चमत्कार होगा। फिर गर्म तकिए और हल्दी वाले दूध का नेताजी मजा ले रहे होंगे। दरअसल कुछ लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हमें यकीन है अब तक हमारी बातें बहुतों में समझ आ चुकी होंगी। लेकिन फटे हुए लंगोट से याद आया कि इस वक्त यूपी वाले सीएम साहब बहुत जबरदस्त तरीके से जीत के दहाने पर खड़े हैं। उनके सिर्फ दोबारा शपथ लेने की देर है, लेकिन चुनाव जीतने और शपथ के सपने देखने से पहले उनकी भाषा बदल चुकी है, उनकी बोली बदल चुकी है, उनकी पहचान बदल चुकी है। लेकिन अचानक आए इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि नेताजी का नाड़ा खुल चुका है, बल्कि उनकी यही खासियत है जिसके लिए उनको चुनकर मठ से लाया गया था। अब उनको मलमली कुर्सी बेहद पसंद आ चुकी है, मठ जाने का उनका दिल नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि लोग उनके सामने मठ का नाम ही ना लें, लेकिन कमबख्त इस कुर्सी ने उनके लंगोट को जकड़ रखा है। लेकिन लोकतंत्र का यही तकाजा है कि ये मठ मंदिर और महंत नहीं देखती, बल्कि सत्ता से उखाड़ फेंकने में यकीन रखती है। कुछ ऐसे ही हाल गोरखपुर वाले महाराज जी का हो चुका है। कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, मठ जाना नहीं चाहते और सत्ता का मोह उन्हें कुर्सी से उठने ही नहीं दे रहा है। उनकी भाषा में जिहादी आक्रमणकारी गुंडे माफिया बदमाश समाजवादी लाल टोपी जैसे शब्दों की प्रचुरता कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन शनिवार की रात्रि उनको सपने में शनिदेव के दर्शन हो गए। शनिदेव कह रहे हैं, उठो नाथ, लंगोट उठाओ, नाड़ा बांधो और मठ तरफ दौड़ लगाओ, वरना गजबाए हिंद के सिपा सालार ना तो नाड़ा बांधने का मौका देंगे और ना ही लंगोट बांधने देंगे। जैसे ही बाबा जी की आंख खुली, बाबा जी ने तुरंत एक ट्वीट किया और गजबाए हिंद और शरीयत पर दिल खोल कर भड़ास निकालना शुरू कर दिया। बेटियों के हिजाब और उनके हाथ में किताब से परेशान बीजेपी ने पूरे देश का ध्यान बहन बेटियों के सिर पर रखी चादर को खींचने में लगा दिया। बीजेपी कह रही है, हम तो कब के विश्वगुरु बन जाते, बस हिजाब और किताब वाली लड़कियों ने हमारा रास्ता रोक दिया। बेटियां कह रही हैं, हमारी चादर तुम्हारी मैली आंखों में खटक रही है, हमारी सिर पर हिजाब देखकर लुच्चे लफंगे और मवाली अब लंगूर बनते जा रहे हैं, हमारी चादरों में तुम्हारी सूरत काली हो चुकी है, तुम्हारा किरदार कौवे के तरह काला हो चुका है, तुम्हारी जबान बेहया हो चुकी है, क्योंकि तुम ना तो बेटी वाले हो और ना ही बहन वाले। बेटियों को पड़ता देखकर नेताओं की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। अब बेटियों के सिर से पल्लू खींचने वाले महिला अधिकार की बात कर रहे हैं, सरेआम साड़ी खींचने वाले महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, बेटियों की अस्मत तार तार करने वाले अब बेटियों के हक की बात कर रहे हैं।
बलात्कारियों के समर्थन में रैली करने वाले अब महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से अपनी बीवियां छोड़ने वाले दूसरों की बीवियां को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यूपी वाले महाराज जी की तकलीफ बहुत बड़ी है। महाराज जी की पूरी शाख ही दांव पर लग चुकी है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी की हालत बहुत खराब मानी जा रही है। दूसरे इलाके में भी बीजेपी के बागियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में खुद महाराज जी अपनी जमानत बचा लें वही बहुत है। भाजपा नेता इस वक्त हार के डर से नींद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें सपने में भी मठ के दर्शन हो रहे हैं। कुर्सी से चिपकने वालों को हिजाब वाली बेटियां खटकने लगी हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता बार बार हिजाब, कुरान, शरीयत और संविधान का राग अलाप रहे हैं। कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। संविधान का राग अलापने वाले वो लोग हैं जो खुद ही किसी मठ और मंदिर के महंत हैं, खुद ही भगवा पहनते हैं, मठों की पंथ परंपरा के वस्त्र पहनते हैं और कहते रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। तो ऐसे में सवाल है कि दूसरों को संविधान का पाठ पढ़ाने वाले खुद अपनी शरीयत को क्यों मान रहे हैं? आखिर क्यों आदित्यनाथ पहनते हैं भगवा कपड़े? आखिर क्यों एक महंत होकर बन बैठे हैं सूबे के मुख्यमंत्री? आखिर क्यों धर्म के नाम पर फूलमाला, हवन, कुंडल, आरती उतारते हैं योगी महाराज? आखिर क्यों मठ वाले ले रहे हैं संविधान का नाम? आखिर क्यों संविधान का नाम लेने वाले करते हैं हिंदुत्व की बात? आखिर क्यों योगी को आ रहे हैं मठ जाने के सपने? आखिर क्यों याद आ रहा है गजवाए हिंद? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हर धर्म में पूजा पद्धति का कोई ना कोई तरीका होता है। एक ही धर्म में कई पंथ और विचारधारा भी होते हैं, लेकिन हर धर्म को मानने वाले के लिए एक धार्मिक कानून भी होता है। धर्म को मानने और उसके पालन करने का एक दस्तूर होता है, जिसे अरबी भाषा में शरीयत कहते हैं। हर धर्म की अपनी एक शरीयत होती है। बिना शरीयत कोई भी धर्म अनाथ नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में शरीयत बड़ा या फिर संविधान? संविधान और शरीयत दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत का संविधान अपने हर नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी देता है, यानी हर शख्स अपने धर्म की शरीयत पर चल सकता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो हमारा संविधान ही हमें अपने शरीयत पर चलने का अधिकार देता है। इसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। हमारे देश का संविधान ना तो धर्म को मानने से रोकता है और ना ही अपनी शरीयत पर चलने से। लेकिन जब आपके सामने ये सवाल किया जाने लगे कि शरीयत बड़ा या संविधान, तो इस बेतुके सवाल का क्या जवाब दिया जाए? क्योंकि संविधान तो खुद ही हर शख्स को अपनी शरीयत पर अमल करने की आज़ादी ही नहीं बल्कि हक भी देता है। लेकिन हमारे देश में बेटियों के सिर पर हिजाब कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगा है। बेटियों की छाती ढकने वाला हिजाब सत्ता के पुरोधाओं को गुलामी की निशानी लग रही है। हिजाब में एक शब्द और भी है जिसे जॉब कहते हैं। उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में नेताओं की बदलती भाषा बताने के लिए काफी है कि आदित्यनाथ एकदम हताश हो चुके हैं और उनके पास नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भाषा अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बना रही है। आदित्यनाथ की हर बात में नफरत की बू आ रही है, चाहे उनके चुनावी प्रचार दिए जाने वाले भाषण हो या फिर सोशल मीडिया पर उनके बयान। रविवार को अपने ट्वीट में आदित्यनाथ ने लिखा है कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध लो, वो रहे ना रहे भारत शरीयत के हिसाब से नहीं संविधान के हिसाब से ही चलेगा। जय श्री राम। अब सवाल है कि 5 साल तक सत्ता चलाने के बाद इनके पास सिर्फ जिहादी, तालिबानी, शरीयत, मजहबी, उन्मादी जैसे शब्द क्यों बोलने पड़ रहे हैं? तो इसका जवाब है कि बाबा जी के पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ना तो उनके पास रोजगार पर बोलने के लिए एक भी शब्द है, ना तो रोटी, कपड़ा और मकान पर बोलने की हिम्मत है। उनसे अगर हिंदू, मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान, जिन्ना, कब्रिस्तान जैसे शब्दों को छीन लिया जाए, सिर्फ आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बीजेपी और संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं को गूंगा और बहरा बनकर घर में बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर संविधान की बात करते हैं तो बहसियत एक मुख्यमंत्री, एक मठ के सन्यासी भी हैं, महंत हैं और खुद को योगी भी कहते हैं, खुद भगवा भी पहनते हैं। अब उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या ये देश संविधान से चलेगा आपके भगवा कपड़ों से,
ये देश संविधान से चलेगा या फिर पूजा पाठ से, ये देश संविधान से चलेगा या फिर उनकी बकवास से। हम उनके कपड़े और उनके मठ मंदिर और महंत होने से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ जिस शरीयत पर चलना अपना हक समझते हैं वैसे ही मुसलमान भी अपनी शरीयत पर चल रहे हैं। लेकिन एक योगी और महंत की भाषा ऐसी नहीं होती, वो सर्व समाज की बात करता है। एक योगी सबके कल्याण की बात करता है, एक संत सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। लेकिन आदित्यनाथ की इस भाषा में डर नजर आता है, उनकी भाषा में हार नजर आ रही है, उनकी भाषा में मठ जाने का खौफ नजर आता है, उनकी जमानत जब्त होने की शंका नजर आती है और नजर आ रहा है सत्ता से उखाड़ फेंकने का डर, कुर्सी जाने का डर, पैदल हो जाने का डर। तो ऐसे में सवाल है कि अभी से ही अगर महाराज जी को इतना डर लग रहा है तो बाद में क्या हाल होगा। इसलिए उन्होंने खुद का ख्याल नहीं है, आखिर वो खुद क्या हैं और उनकी पहचान क्या है। अगर मुख्यमंत्री की पहचान उसे छीन ली जाए तो उनके पास केवल महंत की पहचान बचेगी, जो अपनी शरीयत का पालन करते हुए एक मठ के महंत हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं और गुंडों वाली भाषा बोलते हैं। अब इसे उनकी मजबूरी समझे या मन का डर, इसका पता तब चलेगा जब यूपी चुनाव का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी और उनके बड़े बड़े नेताओं को अब रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और नौकरी पर बात करनी होगी, क्योंकि कल तक यही लोग विकास का गाना गाया करते थे लेकिन अब केवल मंदिर मंदिर और हिजाब हिजाब चिल्ला रहे हैं। इसे समझने की जरूरत है क्योंकि यह उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।